का मुरब्बा, आधा किलो गुलकंद, आधा किलो हरीड और आधा किलो गाजर का मुरब्बा, ये पांचों चीज़ें लेनी है। आधा किलो सेब, आधा किलो गाजर, आधा किलो आमला, आधा किलो हरीड और आधा किलो गुलकंद, ये पांचों चीज़ों को कूट पीस लेना है, यानी इनकी मजून तैयार करनी, गिटके निकाल लेनी है। जब आप इसके ऊपर कुछ चीज़ मारेंगे वजनी आमला और हरीड में से गिटके निकलेंगे, उनको फेंक देना। मकाया को बिल्कुल बारीक कर लें, शुगर पेशेंट इसको धो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसमें चांदी के वर्क मिला लेंगे जो ये और भी बेहतरीन हो जाएगा। इसमें आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं, चारों मगज़ भी ऐड कर सकते हैं, इलायची दाना भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं इतनी गुंजाइश, आप सिंपल ये पांचों चीज़ों को जो है ना मजून तैयार कर लें, सुबह शाम 3 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जिन औरतों को खून की बहुत कमी है, डॉक्टर ने 5 से 6 ड्रिप ब्लड की कहीं लगाने के लिए, उनके लिए भी बेहतरीन है, इसको इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, और हामला औरतों के लिए ये बेहतरीन टिप्स है, क्योंकि ज़्यादातर औरतों को जो है ना खून की बहुत ज़रूरत होती है, इन दिनों में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, कैल्शियम भी पाई जाती है और ब्लड भी पाया जाता है। ख़ास करके इसमें जो गुलकंद ऐड की है, ये हामला औरतों को कब्ज़ और खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। ये नीम गर्म दूध के साथ अगर ये 2 से 3 चम्मच लेंगे तो इंशाल्लाह कब्ज़ भी नहीं रह जाएगी और इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा, और ये खून इतनी मकदार में खून और विटामिन बढ़ाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और बच्चे बूढ़े हर उम्र का अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको मज़ीद बेहतर करना है तो इसके साथ शरबत फलाद करशी या शरबत फलाद अरफानी इस्तेमाल करें, ये आपको मेडिकल स्टोर, पंसार स्टोर से भी मिल जाएगा, ये भी बहुत बेहतरीन है। जो दूध के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 3 चम्मच इसके भी मिला लें, शरबत फलाद अरफानी हो या करशी का हो, 3 चम्मच उसी दूध में मिला लें, पहले ये दवाई खा लें, खाली पेट भी इसको खा सकते हैं, ऊपर से वो दूध पी लें। खाली पेट खाने से इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप खाली पेट नहीं खा सकते तो इसको खाने के बाद खा लें, तो इसके बहुत बेहतरीन फ़ायदे हैं। ख़ास करके बच्चे जो जिनकी पैदाइशी नज़र वीक है वो इसको इस्तेमाल करें, या जिनको दांतों की प्रॉब्लम चल रही है, ख़ास करके विटामिन डी की वजह से, कैल्शियम की वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं, दांत टूटने लग जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इसकी बेसिकली वजह यही है कि विटामिन डी की कमी से ये दांत ख़राब होते हैं। वो अफराद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीना इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी HV चेक कराएँगे और डॉक्टर भी आपसे पूछेंगे आपने क्या इस्तेमाल किया, और इंशाल्लाह इसको आजमा के देखें, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कारआमद है, और ख़ास करके बुज़ुर्ग अफराद भी या अपने माँ बाप को, वालदेन को ये इस्तेमाल कराएं, ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं, इतनी महंगी भी नहीं है, और इंशाल्लाह इस्तेमाल कराएं, वो भी आपको दुआएं देंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको टिप के बारे में टिप्स देते हैं, हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है मज़ीद आपको अच्छी से अच्छी टिप्स देंगे, और हमारे पास ऐसे भी नुस्खा जात हैं जो हर घर की ज़रूरत हैं। जो भाई बहन हमसे रब्ता करना चाहें, जो ये चीज़ें नहीं बना सकते, नीचे स्क्रीन में हमारा नंबर चल रहा है, हमसे वो मशवरा भी ले सकते हैं, बनी बनाई चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। हमारा अपना पंसार स्टोर भी है, 17 साल से हम उसको चला रहे हैं। किसी तरह की चीज़ चाहिए, देसी जड़ी बूटी, वो हमसे आपको बाज़ार से भी रियायत मिलेगी, और इंशाल्लाह ओरिजिनल 1 नंबर की गारंटी होगी और रेट की भी गारंटी होगी। और इंशाल्लाह जिस बहन भाई को बवासीर का मसला है, वो हमसे फीस भी लल्ला दवाई हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1 महीना बवासीर वाला मरीज़ 1 महीना इसको इस्तेमाल करेगा, बवासीर से फ़ायदा होगा, कोई ऑपरेशन कराने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बवासीर बादी हो या खूनी हो या मुखों वाली हो या पकंदर फोड़ा को, इंशाल्लाह वो हमारी दवाई इस्तेमाल करें, फ़ीस भी लल्ला, और ये दोस्तों को भी बताएँ, हमारे पास फ़ीस भी लल्ला दवाई मिलती है, नीचे हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, हमसे आप ले सकते हैं। किडनी वाले पेशेंट भी हमसे फ्री दवाई ले सकते हैं, और ऐसी बहुत सी हमारे पास नुस्खा जात बने मौजूद हैं, जैसे कि लकोरिया, जरासीम की कमी, स्पर्म वगैरह, जैसे औरतों में बांझ का इलाज, बांझ की बीमारी पाई जाती है, अठरा की बीमारी पाई जाती है, विटामिन डी, चाहे किस तरह की भी बीमारी हो, हमारे पास इंशाल्लाह हर चीज़ का नुस्खा जात महफूज है, और ये हमारे बाप दादा भी ये काम करते आए हैं हिकमत का, हमारे पास हर तरह का इलाज मौजूद है, बस इसको आपने तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि देसी जो चीज़ें होती हैं इनमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक इसकी क्वान्टिटी, वज़न का ख्याल रखना है, खुराक का ख्याल रखना, और इसमें परहेज़ लाजमी है। जो चीज़ों से हकीम मुस्निद आपको मना करे वो तर्क कर दें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा तब भी होगा। तो लो नाज़रीन, हमारी आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। लो जी, अल्लाह हाफिज़।
ठीक है जी।